बीते कल बुधवार देर रात हुगली डानकोनी स्टेशन पर हॉकर्स और आरपीएफ जवान के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आरपीएफ थाना तोड़ फोड़ किया गया, प्रशासन की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए और घंटों रेल सेवा प्रभावित रही। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। हुगली के डानकोनी स्टेशन पर बुधवार रात आरपीएफ जवान और हॉकर्स के बीच मारपीट हो गई। सूत्रों के मुताबिक झगड़े के बाद से ही हॉकर्स रेल की पटरियों पर प्रतिवाद पे बैठ गए, जिसके कारण घंटों सियालदा डानकोनी और हावड़ा बर्दवान कोर्ट लाइन लोकल प्रभावित रही। ट्रेनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया। झड़प के बाद पूरे स्टेशन पे हड़कंप मच गया। हॉकर्स द्वारा आरपीएफ के थानों को तोड़फोड़ किया जाने लगा। घटना के विरोध में लोग रेल की पटरियों पे बैठ गए। हालात को नियंत्रण करने के लिए मौके पर डानकोनी थाना पुलिस की भारी तैनाती की गई। मिली जानकारी के अनुसार दुर्गा पूजा से पहले पब्लिक सेफ्टी के लिए आरपीएफ द्वारा एक ड्राइव शुरू किया गया था, जो कि हर स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। उस ड्राइव के दौरान आरपीएफ की नजर एक हॉकर पे पड़ी, जो प्लेटफॉर्म पे लो क्वालिटी की पानी की बोतलें बेच रहा था और उस हॉकर के पास कोई आधिकारिक कार्ड भी नहीं था। तभी आरपीएफ के जवान ने उससे सवाल किया। इसी बीच हॉकर के साथी वहां आकर आरपीएफ से उलझने लगते हैं और बात मारपीट तक पहुंच जाती है। वहीं हॉकर्स का कहना है आरपीएफ ने उनके साथ बेधड़क मारपीट की है और गाली ग्लौज भी किया है। আরপিএফ যে কোনো হকারকে 144 ফাইন করে 1200-2000 টাকা করে ফাইন করে দেয়। ইভেন তার মালপত্র কেড়ে নেয়, তাকে শারীরিক অত্যাচার করে, এমনকি মা বোন তুলে গালি গালাজ করে। আজকে যে ঘটনাটা হয়েছে, ডানকুড়িতে একটা ছেলে জল বিক্রি করছিল, তার জল বিক্রি করতে ওকে যাচ্ছে তাই ভাষায় নিয়ে চলে যায়। চলে যাওয়ার পর ওকে আটকে রাখে, এমনকি মারধর করে। সেই প্রতিবাদে আমরা যাওয়ার পর আমাদের পশ্চিমবাংলার জেনারেল সেক্রেটারি নাদিম দা নাদিম হোসেন মল্লিক উনি বলতে আমরা ওখানে বিক্ষোভ করি। বিক্ষোভ করার পর ওনাকে ধরে এত মারধর করেছে, মোবাইলটা কেড়ে নেয়, কেড়ে নিয়ে ওদের আটকে পোস্টে ফেলে রেখেছে। দুজন সরকারি হসপিটাল ভর্তি নাইনি, এখানে অনেককেই মেরেছে। এক দু ভাইকে দেখানো হলো, দেখানো হওয়ার পরে আরেক আমার দাদা আসছেন, 68 বছরের বয়স, অনলাইন রেলপথে ঝালমুড়ি বিক্রি করে। উনি বসে থাকার পর ওনাকে যেরকম পেরেছে সেরকম মারধর করছে। वहीं दूसरी तरफ आरपीएफ जवान का कहना है हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, झड़प हॉकर्स द्वारा शुरू किया गया और घटना के बाद आरपीएफ थाना तोड़फोड़, प्रशासन की गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए, फिर हॉकर्स रेल की पटरियों पे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से घंटों ट्रेन सेवा प्रभावित रही और पूजा से पहले खरीदारी करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार अभी परिस्थिति नियंत्रण में है, ट्रेनों की यातायात अपने निर्धारित समय पे हो रही है। इस मामले से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद। Or B, water. Bahamas.
feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।